बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं और ऐसे ऐसे मुल्क के अंदर तैयारियां की जा रही हैं जैसे अब वो थोड़ी एग्जांपल थोड़ी गलत हो जाएगी, सुहागरात के लिए जिस तरह बेड सजाया जाता है ना, उस तरह पूरे मुल्क को सजाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कोई इसको चांद रात से तस्वीर दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि मियां साहब आएंगे तो जनाब आप उनका इस्तकबाल करने जाएंगे तो खुदा ना खास्ता आप जन्नती बन जाएंगे, और कोई ये कह रहा है कि जनाब ये तो इनको वेलकम करना तो हद से भी बड़ा काम है, ये भी नाउज बिल्ला। इस तरह की बातें की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जाहिल अवाम को मजीद जाहिल बनाने की कोशिश की जाए। यही चीज मैं तहरीक इंसाफ को देखता था कि वो भी बयानिए गलत और झूठे बयानियों के थ्रू लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे, और यही काम जनाब मियां साहब की जमात ने कर दिया है। नजरियात की बात की जाती है, इखलाकियात की बात की जाती है, और इस तरह की कैसी कैसी बातें की जाती हैं, लेकिन इखलाकियात आप देखें कि लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये इस मुल्क का जो निजाम है वो इतना चिट्टा नंगा होके ताकतवर के साथ खड़ा हो सकता है, कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आज मियां साहब की दरखास्त हिफाजती जमानत की दरखास्त की के बारे में एक डेवलपमेंट हुई, और उस हवाले से जनाब जो उनके आजम नजीर ताड़न है उन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई। नैब का प्रोसिक्यूटर पहले पहुंचा हुआ था वहां पे, और जाहिर सी बात है नैब का प्रोसिक्यूटर कभी भी नैब के आला हुकाम से हदायत के बगैर वहां नहीं पहुंच सकता। क्या नैब के प्रोसिक्यूटर को अदालत ने तलब किया था, या नैब के प्रोसिक्यूटर को पहले ही हदायत दी गई थी कि जनाब एक एप्लीकेशन जमा होने जा रही है तो उस एप्लीकेशन को आपने जी हजूरी करने के लिए हुकूमत की तरफ से वहां पे पहले मौजूद होना है और वहां पे उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। जब आप किसी भी मुल्क के निजाम को इस तरह, उसकी ताकत को, इदारों को, उनकी पावर्स को जब आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं नंगा हो जाता है वो, और लोगों को नजर आ रहा होता है कि ये देखो ये इसकी खामियां हैं, ये देखें ये इसकी बुराइयां हैं, और ये निजाम अगर अपनी मर्जी से किसी के कहने पे एक पे मेहरबान हो जाएगा और दूसरे पे एक तरह से जालिम हो जाएगा, और वो फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, और वो सिर्फ पसंद और नापसंद ख्वाहिशात और स्ट्रेटजी और लाडले की बुनियाद पे अगर वो निजाम मूव करेगा तो क्या आप समझ सकते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह के निजाम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है। देखें वेस्ट को देख ले, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि चाहे ताकतवर हो या कमजोर हो, अगर उसने गलत काम किया है तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और अगर उसने गलत काम नहीं किया तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए वहां पे एक इंसान को इंसान समझा जाता है और वहां पे लोग अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। मुल्क के अंदर सरमायाकारी होती है, किसी को किसी का डर नहीं होता और हर चीज अपने हिसाब से चलती है। अदालतें ये देख के नहीं कि गुड टू सी यू, या वो आ गए तो जनाब इसके ऊपर इल्जाम लगा के इसको जो है ना पनामा शुरू किया था कामे के ऊपर इसको ठोक दो, तो इस तरीके से नहीं होता कि आपकी आपका पूरे का पूरा निजाम उंगली के इशारों पे किसी से मेहरबान हो जाए तो किसी का दुश्मन बन जाए। अगर ये चीजें इस तरीके से जब तक चलती रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क का ना कोई मुस्तकबिल है और ना ही ये मुल्क कभी भी आगे जा सकता है। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, कोई कोई बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त हकीकत में आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ को जो प्लानिंग की जा रही है कि अभी वो आएंगे और वो आके पूरी कंपेन करेंगे, वजीर आजम वो अभी नहीं होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा, 6 से 8 महीने के अंदर मियां नवाज शरीफ को फुल क्लियरेंस देने के बाद, उनको दूध का धुला बनाने के बाद, उनको शड़बाला बना के इस मुल्क के तख्त के ऊपर बराजमा कर दिया जाएगा, और उस वक्त तक जनाब इमरान खान जो है वो अंदर रहेंगे, और वो अंदर रहेंगे और उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा जब मुल्क के अंदर नई हुकूमत आ चुकी होगी और उसके बाद चीजें स्मूथ हो चुकी होंगी। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को निकाल के बाहर
भेज दिया गया था, उसी तरह इमरान खान को भी फिर ये ख्याल आएगा कि पीछे उसके लिए अभी कुछ नहीं बचा, इलेक्शंस 4 साल के बाद होंगे, सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई इस तरीके से ग्रिप नहीं हो रही, और अब जलीलो ख्वार होने से बेहतर है कि 2-3 साल थोड़ा सा आराम करके और उसके बाद दोबारा एक ख्वाब सजा के इस मुल्क का वजीर आजम बनने का वापस आ जाए। क्योंकि हम ये देख चुके हैं माजी के अंदर भी कि कोई भी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है या रेड लाइन क्रॉस करता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि 3 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर उसको माफी मिल जाए। उसको माफी 5, 6, 7, 8 साल के बाद मिलती है। पावर के मराकज तब्दील होते हैं, नए लोग आते हैं, उनको एहसास होता है कि इसके साथ बहुत ज्यादती हो गई है, इसके साथ बहुत मसले हो गए हैं, इसके साथ जो रियासत ने मां जैसा किरदार अदा नहीं किया, फिर वो एक को सुतेला बना के दूसरे को फिर वो उसके नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करती है। और हम इसी चक्कर में, हम बनाने में और खत्म करने के अंदर ये पूरी की पूरी कौम इतनी पीछे जा चुकी है कि कोई उम्मीद भर नहीं आ रही इस वक्त आगे जाने की। देखते हैं बहरहाल कुछ इकदाम स्मगलिंग के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ और इस तरह की चीजों के खिलाफ जब हुए तो एक उम्मीद पैदा हुई और जे कार शुरू हो गई जिन जो इसके पीछे है, और ये एक अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए। लेकिन आप इससे सिस्टम की कमजोरी का अंदाजा लगाएं कि सिस्टम कितना कमजोर है और सिस्टम कितना अपाहज हो चुका है कि जब तक उसको डंडा ना दिया जाए, जब तक उसकी जिंदगी और मौत का मसला ना बना दिया जाए, वो आगे मूव करने की कोशिश ही नहीं करता। और अगर ये सिस्टम डंडे के बगैर हदायत के अपने आटो के ऊपर जिस तरह के दुनिया के निजाम काम कर रहे हैं, किसी के लिए माफी नहीं और किसी के लिए सजा नहीं, इंसाफ का पलड़ा सबके लिए बराबर है, उसी हिसाब से अगर ये इदारे अपना काम सारा साल करें बगैर किसी के डर के, बगैर किसी के खौफ के, सिर्फ अपनी एहसास जिम्मेदारी और अपने रिज्क को हलाल बनाने के लिए, तो ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। ये सारी की सारी स्टोरी है। बहरहाल मैंने सोचा कि जिस तरीके से चैनल्स तैयारियां कर रहे हैं और मीनार पाकिस्तान के ऊपर स्टेज लग रहे हैं, डीएसएनजी तैयार हो रही हैं और एक पूरी की पूरी फिजा बनाई जा रही है कि मियां साहब आएंगे और लाखों लोगों का हजूम जो है रातों रात मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ कहीं से उठा के कहीं ले जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों रुपए के जो है ना, बल्कि करोड़ों रुपए के एड्स, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, आप उसके ऊपर आपको मियां साहब का बैनर नजर आएगा और तस्वीरें नजर आएंगी, और हर एक की ड्यूटी लगा दी गई है कि 5-5 हजार बंदा लेके आओ वरना तुम्हें टिकट नहीं देगी। वो बेचारे मिनते तरले वास्ते कर रहे हैं, किसी को जन्नत का लॉलीपॉप दे रहे हैं, किसी को 1-5 देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को 10 हजार रुपया दिहाड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस तरीके से वो सारे के सारे वसाइल जो वो खर्च कर रहे हैं, जब वो इक्तदार में आएंगे तो वो किसकी जेब से वसूल करेंगे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये सारे का सारा कसूर है सिस्टम का। सिस्टम को ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। एंड तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।